प्रेप टॉक्स। हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में है पूजा मैम, जो कि आपने कई बार उनके वीडियोस देखे होंगे प्रिप ऑनलाइन ऐप पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जानते हैं पूजा मैम को पर्सनली और पूछते हैं इनसे कई सारे सवाल। हेलो पूजा मैम। हेलो, पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, कहाँ का आपने पढ़ाया है, कैसे कैसे आपने पढ़ाया है, तो आप कुछ बताएंगे उसके बारे में। देखिए, मैंने 2012 में अपना पीएचडी किया था और 2012 में पीएचडी के साथ ही मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना टीचिंग जो प्रोफेशन है मेरा। तो सबसे पहले तो मैंने अपने ही खुद के नेटिव प्लेस में, जहाँ पे मैं रहती हूँ बीकानेर से मैं बिलोंग करती हूँ, वहीं एक इंस्टीट्यूट है कॉन्सेप्ट, मैंने सबसे पहले वहाँ पढ़ाया है। उसके बाद में मैंने मुंबई में पढ़ाया है आकाश इंस्टीट्यूट में, और आकाश के बाद में उसके अलावा मैंने पढ़ाया है कई हमारे बीकानेर के ही है एडवांस कैरियर इंस्टीट्यूट। अच्छा, बीकानेर से? बिल्कुल। मैं बीकानेर का कुछ बताएंगे स्पेशल, क्या स्पेशल? मैंने बीकानेर का नाम बहुत सुना है। तो देखिये, बीकानेर के लोग ना बड़े फूडी किस्म के लोग होते हैं, बहुत खाना पसंद करते हैं वो लोग। तो वहाँ का जो स्पेशल फेमस है वो है वहाँ के रसगुल्ले और भुजिया। तो बीका जी नाम आपने सुना होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो जो बीका जी है, वो जो भुजिये हैं, वो बड़े फेमस है हमारे वहाँ के। अच्छा, तो मैम एक बहुत बच्चों का सवाल भी रहता है और हम ऑब्जर्व भी करते हैं, मैंने इंजीनियरिंग करी है और मैंने देखा है उन दिनों पढ़ाई के दौरान कि ये जो लड़कियां होती है बायोलॉजी लेना ज्यादा प्रेफर करती है, मैथ साइड में क्यों नहीं आती, मतलब क्या है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स में भी लड़कियां काफी जाती है, बट फिर भी एक्चुअल में लड़कियां जो होती है ना माइंडेड बहुत होती हैं। आपने देखा होगा कि जो लेडीज होती है वो बड़ी काफी इंटेलिजेंट होती है, तो इस वजह से उन्हें लगता है कि लर्निंग जो है वो ज्यादा अच्छी वो कर सकती है, तो वो बायोलॉजी लेती है, तो इसलिए थोड़ा सा उनका रहता है मैथ्स के कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो। बायोलॉजी को जब मैं देखता हूँ, बायोलॉजी पढ़ने को देख के, या मैंने काफी लोगों के वो भी देखे एक्सपीरियंसेस, तो वो बोलते हैं कि इसमें रटने का बहुत कुछ है, तो आपका क्या कहना है कि इसमें रटने का ही बहुत कुछ है, समझने का है, मतलब किस तरीके से सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं नहीं, रटने का ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों को कुछ चीजें होती हैं जैसे एग्जांपल्स वगैरह होते हैं, वो हमें जरूर थोड़े याद करने पड़ते हैं, बट इसमें समझने की भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप उसको सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि समझने के वे में अगर आप जाते हो, तो बायोलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आप उसको अपने डेली लाइफ में जो भी चीजें हैं उनसे कनेक्ट कर पाते हो। अगर आप बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करोगे तो बायोलॉजी जो है, अगर आप सुबह उठते हो, अगर आप चाय भी पी रहे हो, तो ऑफकोर्स वो भी रिलेट सीधा बायोलॉजी से करता है कि उसमें क्या क्या कंटेंट है। अगर टी है तो वो भी आपका बॉडी से रिलेटेड है। तो हम ऐसे अंदर डीप चले जाते हैं कि आप नसों के अंदर भी जाके देखो क्या है, इतना सब कुछ, मतलब तो कई बार लगता है रिलेशन से भी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रटने का, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े जब आप उसको रिलेट करते हो अपने आप से और आप जब उसको समझने में जाते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब लर्न करने लग जाते हो। आप इमेजिन करके देखो, आप बहुत छोटे रहे होंगे तब आप, ऐसा होता है कि कई बार आपको लेके गए होंगे कि मंदिर में जाना है, तो आपको बताया जाता है कि देखो ये गणेश जी है, हम यहाँ पूजा करते हैं, फिर हम यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। तो वो डे टू डे लाइफ में जो चीजें चल रही होती है, अगर आप उसी फ्लो में अगर चलते रहते हो, तो वो आपको कब याद हो जाती है। छोटे किड्स की अगर आप बात करें तो बड़ा इजी हो जाता है उनके लिए, हर चीज उनको याद होती है, रटते थोड़ी ना ये गणेश जी है, हाँ हमें यहाँ पे हाथ जोड़ना है, ये हनुमान जी, ऐसा नहीं होता ना, वो आपके रूटीन लाइफ में चलता रहता है। अगर ये सब्जेक्ट भी वैसा ही है, अगर आप उसको फील के साथ और आप उसको इंटरेस्ट के साथ अगर पढ़ते हो, तो रटने की कोई चीज ही नहीं है। आप कब उसको लर्न कर लेते हो आपको पता भी नहीं चलता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बायोलॉजी। मैम, मेरा अगला सवाल होगा आपके एक्सपीरियंस को लेके, जो आपने पहले आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, आपने काफी क्लासेस ली है, अब आप ऑनलाइन में पढ़ा रहे हो, तो क्या डिफरेंस आपको नजर आया ऑफलाइन से ऑनलाइन में पढ़ाने में? देखिए, डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हो, स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पास में कैमरा है जिसमें आपको पढ़ाना है। वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि क्वेश्चनिंग जो होती है, आंसर जो होते हैं, वो साथ साथ चलते रहते हैं, बट यहाँ पे है कि हम हमारा पूरा जो भी हमने सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक हमने उठाया है वो पूरा हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को, हम जितना भी हम उनको समझा सकते हैं, जिस वे में हम प्रॉपर वे में हम उनको बता पाते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि क्लासेस में बड़े हम बोलते हैं ना नॉटी बच्चे भी होते हैं जो आपकी क्लास को इंटरप्ट करते हैं। मैं बैक बेंचर्स किसी को भी नहीं बोलना चाहूंगी, देखो कई, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता है कि जो पीछे बैठे हैं वो कब अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लेते हैं, तो मैं किसी को भी बैक बेंचर ही था इसलिए हाँ, वो आप बैठने के तौर पे अगर आप लेते हैं तो उस चीज को मैं कह नहीं सकती हूँ, बट मेरे लिए हर स्टूडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आगे बैठे चाहे वो पीछे बैठे। तो मैं वैसे ही बोलना चाह रही थी कि जो नॉटी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार क्लास का जो हम बोलते हैं कि जो एक फ्लो जा रहा होता है या जिस टॉपिक में हम जा रहे होते हैं, वो उससे पहले ही थोड़ा होता है ना, जंपिंग की आदत होती है, पहले ही उछल के पूछ लेते हैं ये क्या होगा ये क्या होगा,
इस चक्कर में क्या होता है, क्लास जो होती है प्रॉपर वे में बाकी बच्चों को बड़े इफेक्ट होते हैं उससे, क्योंकि एक पर्टिकुलर बच्चे की वजह से अगर क्लास में 20 स्टूडेंट है तो 19 स्टूडेंट्स जो है वो बड़े इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक फ्लो में पढ़ रहे होते हैं और बीच में वो इंटरप्शन आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक टॉपिक कंटिन्यूटी से पढ़ाया जाता है जिससे सबका वैल्यूएबल टाइम जो है वो बचता है, और ऑनलाइन हाँ, तो मुझे ये पॉजिटिव थोड़ा बचता है, वो समय बचता है, मुझे पॉजिटिव चीज लगती है ऑनलाइन की, कि जो बाकी हर बच्चा जो है वो अपने तरीके से उसको पढ़ सकता है। और मैंने ये भी देखा कि सिर्फ बायोलॉजी जिस तरह का सब्जेक्ट है उसमें आपको डायग्राम बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली हेल्प करते हैं समझने में। तो मैंने ऑनलाइन में जैसे हमारे जो प्लेटफॉर्म में देखा कि एक फिगर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज वो आपके एनिमेटेड फिगर है, पूरा डिजाइन फिगर है, तो एक छोटी छोटी चीजें बारीकी आप उसमें दिखा सकते हो। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये भी एक प्लस पॉइंट शायद होता है। ये प्लस पॉइंट नहीं है, बहुत मेजर प्लस पॉइंट है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि ये जो बता रहे हैं हमें हार्ट का डायग्राम बना है, एक्चुअल में ये डायग्राम कैसा दिखता होगा, क्योंकि ऑब्वियस है अभी 11 12th वो कर रहे हैं तो हम उनको चीर फाड़ करके तो नहीं दिखा सकते ना, जैसा मेडिकल कॉलेज में उनको मिलेगा। मैम आपके वीडियोस देखे मैंने और उसमें आपको देख के लगता है कि आपने बहुत एक एक्टिंग का पार्ट भी है, तो मतलब कई बार आप पढ़ाते हुए इतने इन्वॉल्व हो जाते हो, मतलब एक एक्टिंग का पार्ट भी लगता है, जैसे आपने कभी मतलब बचपन में थिएटर किया हो ऐसा कुछ रहा हो? नहीं, थिएटर तो नहीं किया, लेकिन हाँ अपने सिस्टर के साथ में घर में फन टाइम के लिए हम लोग थोड़ा बहुत एक्टिंग वगैरह, थोड़ा इंटरव्यू वगैरह ये सब लेना हम जरूर करते थे। तो किस तरीके एक्टर की एक्टिंग करते थे, मतलब कोई स्पेसिफिक एक्टर? नहीं, हम एक्टिंग यू स्पेसिफिकली किसी सीन को नहीं करते थे, हम एक्चुअली एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे। अच्छा। जैसे मैं कोई स्पेशल एक्ट्रेस बन गई, माय फेवरेट करीना कपूर, तो मैं उसको प्ले करती थी और वो किसी भी न्यूज एंकर को करते हुए वहाँ पे। अच्छा। और हम इंटरव्यू, नहीं आपको देख के ऐसा लगता भी है कि जब भी मैं की करीना कपूर है, तो ऐसे कभी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिला? हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे कई बार कई लोगों ने दिया है, मेरे स्टूडेंट्स ने भी कई बार मुझे दिया है कि मैं लगती हूँ थोड़ा बहुत, शायद मुझे लगता भी है थोड़ा बहुत, लगती भी हूँ। अच्छा। मैम एक आप एज हाउस वाइफ हैं और आप पढ़ाते भी हैं, तो मुश्किल नहीं होता आपको दोनों मैनेज करना साथ में, कि घर का भी काम है और पढ़ाना भी है? मेरे ख्याल से कि जो हम ये बोलते हैं ना कि लेडीज जो है वो एक क्रिएचर ही भगवान का ऐसा है कि जो हर चीज मेंटेन कर सकती है, शायद वो हमारे अंदर है, तो बहुत डिफिकल्टी होती है, बट हाँ उसको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है, घर में बच्चे को भी और साथ में अपनी जॉब को भी। उसके साथ में ऑनलाइन जो है ये एजुकेशन वाला जो है वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। लेकिन मैम सारी जैसे जितने भी कोचिंग इंडस्ट्री के लिए मैं बात करूँ तो मैक्सिमम मेल टीचर्स हैं, तो आप एज ए फीमेल टीचर आपको पढ़ाने में डिफिकल्टी हुई और थोड़ा मुश्किल आई, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे? बहुत मुश्किल आई एक्चुअल में, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल आई थी मुझे, कि जिस इंस्टीट्यूट में मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे मैं ओनली ही मतलब लेडीज़ फैकल्टी थी, तो बहुत ऐसा हुआ था कि कई बार क्लासेस को लेके मुझसे पहले प्रेफरेंस जो है वो दिया मेल फैकल्टी को, बट ठीक है, हर जब मुश्किलें आती है तो हम उसका लिए रास्ता भी निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने में कुछ चेंजेस लेके आए और उसके साथ आगे बढ़े तो सब आसान हो गया। हमको ऐसा एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट लाइफ में आपके साथ हुआ जो आप स्पेशली शेयर करना चाहते हो कि यार ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ था जो मतलब काफी फनी था, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप याद आ रहा? एक्चुअली मैं बड़ी स्टूडियस थी, मैं स्टूडेंट ना, तो कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट्स तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ बट कई बार होता है ना कि किसी एक का मतलब कई कमेंट ऐसे होते हैं जो अगर आपको कोई दे तो उसके बाद में आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लेते हो। तो हाँ एक बार ऐसा मतलब कि इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ में, तो वो मेरी लाइफ में मतलब मोटिवेशन के तौर पे था, फनी ऐसा कुछ उसमें नहीं था, मतलब कि थोड़ा डॉक्टर की बेटी हूँ तो इस वजह से। अच्छा, आप डॉक्टर की बेटी हैं? हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर की बेटी। तो मेरे को लगता है कि काफी प्रेशर आया होगा डॉक्टर बनने के लिए, नहीं अगर हम डॉक्टर हैं तो आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि काफी मैंने देखा है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं उनके जो हमारे फेवरेट थे, लाइक मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो आर्ट्स में है, मैं साइंस में हूँ, मेरा जो ब्रदर है वो कॉमर्स में है। बट हाँ उसके बाद साइंस लेने के बाद जरूर लाइफ के अंदर थोड़ा सा ये था प्रेशर। अच्छा। कि आपको भी डॉक्टर बनना ही है, क्योंकि आसपास के लोग आपको बोलने लग जाते हैं भाई पापा डॉक्टर है तो बेटी तो डॉक्टर बनेगी, तो हाँ ये प्रेशर फील हुआ। तो फिर आपने उस दौरान आपने फिर एग्जाम दिया मेडिकल एंट्रेंस का? हाँ मैंने दिया था, मैंने 12th के साथ में ही अपना मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। अच्छा। बट मैं तो उसमें सक्सेस मुझे नहीं मिल पाई, उसके बाद में मैंने अपने बीएससी ज्वाइन कर लिया था।
मैम मेरे को पता चला मतलब बच्चों से ही और आपके कलीग से कि आपको क्लास में हिटलर दीदी बोलते हैं। हाँ, मुझे ये टाइटल कई बार दिया गया एक्चुअली, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आप इतना एफर्ट लगाते हो और वो सामने से आपको रिजल्ट नहीं देते हैं। और मैं थोड़ा सा घर में भी, मेरे साथ में ये चीज़ है कि मैं बहुत जल्दी, अपना टेम्पर जो है मेरा बहुत हाई हो जाता है एकदम से, तो वो रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद में हमें यूँ फील भी होता है कि चलो बच्चे हैं कर लेंगे, तो थोड़ा गुस्सा फिर शांत हो जाता है। और मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा सा पोलाइटली भी हमें ट्रीट करना चाहिए, तो बहुत बार मुझे ये टाइटल दिया गया है हिटलर दीदी का। तो कभी ऐसे नहीं हुआ गुस्से में दो चमाटी रख दी उसके कि भाई हाँ पढ़ता नहीं ना लाएगा सब कुछ? हाँ, मैंने एक स्टूडेंट के, स्टार्टिंग में मुझे मालूम नहीं था कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, तो मैंने एक स्टूडेंट के लगा दिया था थप्पड़, मुझे याद है वो इंसिडेंस। और वो पर्टिकुलर किसी विलेज से बिलोंग करता था, तो उसने जाके मेरे लिए बोला भी, और तो उसके बाद में मुझे ये चीज़ की अक्ल आई कि थप्पड़ नहीं लगाना है, क्योंकि ये घर नहीं है, ब्रदर नहीं है, कि उसको तो मैंने बहुत चपेड़े मार मार के मैथ्स पढ़ाया है। तो इस वजह से वो वहाँ पे जाके मैंने उसको थोड़ा कंट्रोल किया, अब बहुत सही है। जैसा कि हमने पहले एक बार बात कर रहे थे, तो आपने मुझे बताया था कि आपके लिए योगा बहुत स्ट्रेस रिलीविंग रहता है, आपने काफी योगा किया है, तो कुछ मतलब बच्चे भी जानना चाहते हैं कि योगा उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है, कि वो कैसे स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं या कैसे और बेटर पढ़ सकते हैं डूइंग योगा। नहीं, मेडिटेशन जो है, योगा जो है, वो मैं चाहती हूँ ये इस चीज़ को बोलना यहाँ पे कि ये सबके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से दूर रहते हो, और आप उसके बाद में अगर आप योगा प्राणायाम अगर आप करते हो, उसके बाद आप अगर पढ़ने के लिए बैठते हो, तो आप खुद चेंज फील कर पाओगे, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है उसके बाद में। तो मैंने बहुत लंबे टाइम तक योगा जो है वो मैंने किया है, और अभी भी स्टिल मैं प्राणायाम जो है वो जरूर करती हूँ। तो मतलब आपके गुरु बाबा रामदेव, ऐसा मैं मान लूं? हाँ, मैं रामदेव बाबा की बिग फैन हूँ, मैं बिग फैन हूँ आप बोल सकते हो, बाबा रामदेव की। कुछ मैं थोड़ा एक पर्सनल सवाल लेना चाहूंगा कि राघव सर भी हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते रहते हैं, तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ। और पता चला है कि आपने लव मैरिज करी है। हाँ। तो थोड़ा सा कुछ बता दें कि कैसा रहा, मतलब जर्नी कैसी रही लव मैरिज की, या कुछ इस तरह का? एक्चुअली हमारी प्रोफेशनल जर्नी और हमारी बोल सकते हो पर्सनल जर्नी जो है वो एक साथ साथ पैरेलल ही चली है, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया वहीं मुझे लकीली ये मुझे मिल गए थे, तो उसके बाद से बहुत ये जो लाइन है हमारे लिए फन के साथ में बहुत आगे बढ़ी है ये, क्योंकि पर्सनली भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ लाइफ में। घर वालों का प्रेशर नहीं आया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है ऐसा कुछ? थोड़े बहुत तो उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, तो वैसा हमारी लाइफ में भी जरूर था, बट कहते ना सब आखिर में अगर अच्छा हो जाए तो सब अच्छा है, तो अच्छा हो गया सब कुछ, और अभी स्टिल बहुत अच्छा है। अंत भला तो सब भला। तो ये थी पूजा मैम, जिन्होंने आपको सब अपने बारे में बताया, और इन मैम को आप देख सकते हैं प्रेप ऑनलाइन ऐप पे, तो जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।